नमस्कार, मैं हेमलता आप सबका स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। चंद्रयान प्रथम का आज के दिन किया गया था सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। चंद्रयान एक देश का प्रथम चंद्र मिशन था जिसे श्री हरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। इस अंतरिक्षयान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए थे। चंद्रयान एक ने चंद्रमा की सतह के 70,000 से अधिक प्रतिबिंबों को भेजने के अलावा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के स्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों में पहाड़ों और क्रेटर के चित्र भी भेजे थे। चंद्रयान एक ने चंद्रमा पर रासायनिक और खनिज सामग्री से संबंधित मूल्यवान डेटा भी एकत्रित किया है। पंडित नेहरू ने आज के दिन देश को समर्पित की थी भाखड़ा नागल परियोजना। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1963 को राष्ट्र को भाखड़ा नांगल परियोजना समर्पित की थी। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर निर्मित किया गया है। इस परियोजना का कार्य 1948 में शुरू हुआ था और 1962 में बांध बनकर तैयार हुआ था। जब ये बांध बनकर तैयार हुआ था तब ये देश का सबसे ऊंचा बांध था। शिवालिक पहाड़ियों के बीच बना भाखड़ा बांध 1700 फीट लंबा है, जबकि इससे 13 किलोमीटर दूर नीचे स्थित नांगल बांध 1000 फीट लंबा है। इसका निर्माण अमेरिकी विशेषज्ञ हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में किया गया था। दार्शनिक जीन पॉल सार्त्र ने आज के दिन ठुकराया था नोबेल पुरस्कार। फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक जीन पॉल सार्त्र ने 22 अक्टूबर 1964 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार ठुकरा दिया था। जीन पॉल ने कहा था कि वे सारे सम्मान जिनकी वजह से उसके पाठक अपने ऊपर दबाव महसूस करने लगे आपत्तिजनक है। उनका कहना था कि बतौर जीन पॉल सार्त्र के हस्ताक्षर या नोबेल पुरस्कार विजेता जीन पॉल सार्त्र के हस्ताक्षरों में भारी अंतर है। एक लेखक जो ऐसे सम्मानों को स्वीकार करता है वस्तुतः खुद को एक संघ या संस्था मात्र में बदल देता है। वेनेजुएला के क्रांतिकारियों के प्रति मेरी संवेदनाएं एक तरह से मेरी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, पर यदि मैं नोबेल पुरस्कार विजेता की हैसियत से वेनेजुएला के प्रतिरोध को देखता हूं, तो एक तरह से प्रतिबद्धताएं पूरी संस्था की होंगी। महान स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खां का आज के दिन हुआ था जन्म। महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते प्राण न्योछावर करने वाले अशफाक उल्ला खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे। काकोरी कांड के मामले में 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अशफाक उल्ला खां राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंद लाल और मनमत लाल गुप्त ने लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया था। इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।